मेरा नाम कुलवंत सिंह है, ये मेरे वाइफ ने मिसेज नरेंद्र कौर, इन्हों की सर्जरी 3 साल पहला December 2018 बॉम्बे तो दोनों गोडे रिप्लेस कराए थे और असं बिल्कुल ठीक हो के आ गए थे अपने घर डिस्ट्रिक्ट लुधियाना जगराऊं च। पर 1.5-2 महीने बाद फिर उन्होंने राइट नी दे विच तकलीफ हो गई सी, उहदे करके इन्हां दा गोडा स्लिप करन लग गया सी, जिस करके इन्हां नूं तुरन विच तकलीफ हुंदी सी। कुछ डॉक्टर ने सानूं इह वी कहा कि तुसीं दुबारा सर्जरी ना करायो क्योंकि एज फैक्टर है, इस करके तुसीं दुबारा रिस्क हो जाएगा। पर मेरी बेटी जो कि BDS डॉक्टर है वो चंडीगढ़ ने, उन्होंने डॉक्टर TS गिल बारे पता लग्या कि वो इस गल दे माहर ने और जिहड़े भी केस खराब होए हुंदे ने वह स्पैशली उन्होंने रिपेयर करके ठीक कर देंदे आ। सो उन्होंने कहे अनुसार असी इत्थे आए चंडीगढ़ और मेरी बेटी भी नाल सी, असी डॉक्टर साहब नूं मिले और उन्होंने सानू सारा पुराना रिकॉर्ड देखिया, सारा कुछ पूछया और चेकअप किया और उन्हें सानू श्योरिटी दिती कि ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी थाई दे विच पहला 20 साल पहला रॉड पई हुई सी और डॉक्टर साहब ने कहा भी पहला गल तो यह कि रॉड कढ़नी पएगी। असी फिर डेट फिक्स कर ली, डेट फिक्स हो गई, असी 10 मई नूं असी एडमिट होए सीगे और 11 मई नूं मेरी वाइफ की सर्जरी हुई और परमात्मा का शुक्र है कि डॉक्टर साहब ने पहला जो रॉड सी उन्होंने निकालिया, फिर नी की सर्जरी की, नी रिप्लेस किया और दोनों सर्जरियां कट्ठिया हो गई। इसलिए डॉक्टर साहब भी बहुत खुश सीगे, अस तो खुश होना ही सीगा क्योंकि साडा काम दोनों इकट्ठा हो गया। नाल ही नैक्सट डे फिजियोथेरापी शुरू हो गई, स्टाफ ने बहुत कोऑपरेट किया, असं डॉक्टर साहब का तो देन दे ही नहीं सकते जिन्होंने कि साडा ये बहुत समझते हैं कि असं समझे जी काम होना ही नहीं गा, वो इन्होंने सर्जरी करके ठीक कर दिता और डॉक्टर साहब ने छोटी दी है कि यह हौली हौली वाकर भी छड़ देंगे, स्टिक तो चलेंगे और टाइम नाल स्टिक भी छुट जाएगी इन्हें। सो असी डॉक्टर साहब के इस हॉस्पिटल के थैंकफुल हाँ कि साडा ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह ट्रीटमेंट किया। थैंक यू। मैं नरेंद्र कौर हाँ, मैं हूँ बहुत बैटर फील कर रही हूँ, अजय मैं जल्दी दे कि वॉकर नाल हाँ पर मैं कोई तकलीफ नहीं, तो मैं सारे जिन्होंने तकलीफ है उन्होंने सुजैसट कर दी हाँ कि जे उम्र करके सर्जरी ना करा रहे हो वो इतने आके अपनी तकलीफ दसन ताकि उन्होंने तकलीफ दूर हो सके।